हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब वीडियो। मैं प्रशांत शर्मा अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा कार्बोहाइड्रेट का सीरीज चल रहा था, जिसमें मैंने पिछली वीडियो में आपको कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड बहुत से टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है, जैसे कि मोनोसैकेराइड। स्पेसिफिक मैंने कार्बोहाइड्रेट के टाइप के बारे में बताया था, जिसमें स्पेसिफिक मोनोसैकेराइड, और मोनोसैकेराइड के अंदर मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में ज़्यादातर डिस्कस किया अभी तक। ओके, तो स्टीरियो केमिस्ट्री से ही रिलेटेड छोटा टॉपिक है एपिमर। ओके, मैंने स्टीरियो केमिस्ट्री से टाइप भी बताए हैं, कितने टाइप के होते हैं, डायस्ट्यूमर और इनेंसियोमर, इन सब का डेफिनेशन भी बताया है, ये कैसे अलग होते हैं एक दूसरे से, ये सब डिस्कस किया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले पिछली वीडियो जरूर देखें। ओके, तो आज का टॉपिक है एपिमर्स। एपिमर्स क्या होते हैं? एक तरह डायस्ट्यूमर होते हैं। एपिमर्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, जो कि उन्हें डायस्ट्यूमर से अलग करता है, एक तरह डायस्ट्यूमर्स ही होते हैं, डायस्ट्यूमर्स का टाइप ही है। तो ऐसे डायस्ट्यूमर्स जिनमें सिंगल कार्बन पर एटम के कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस होता है, उन्हें क्या बोलते हैं? एपिमर्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एपिमर्स आर द डायस्ट्यूमर्स। ओके, पहला पॉइंट क्या है इसका, पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एपिमर्स आर द डायस्ट्यूमर्स। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है, अब डायस्ट्यूमर के बारे में मैंने पहले भी बताया, तो डायस्ट्यूमर्स जो होते हैं वो मिरर इमेज नहीं बनाते, तो एपिमर्स भी क्या नहीं करेंगे? मिरर इमेज नहीं बनाएंगे, एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं बनाते हैं। जबकि जो इनेंसियोमर्स होते हैं वो एक दूसरे का मिरर इमेज बनाते हैं। मिरर इमेज का सिंपल है कि लाइक किसी भी चीज़ को मिरर के सामने रखते हैं तो जो इमेज बनती है उसे मिरर इमेज बोलते हैं। तो लाइक मैंने प्रीवियस वीडियो में इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, तो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, ओके, वो मैं चीज़ें यहाँ नहीं बता पाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले पॉइंट बता चुका हूँ, जो एपिमर्स होते हैं वो कहाँ पर, मैंने उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दे आर डिफर इन कॉन्फिगरेशन एट सिंगल कार्बन, ओनली वन कार्बन। ओके, तो ऐसे डायस्ट्यूमर जिनमें सिंगल कार्बन के एटम पर, मतलब सिंगल कार्बन पर एटम का कॉन्फिगरेशन अलग अलग होता है, उसे क्या बोलते हैं? एपिमर्स। अभी देखते हैं हम एपिमर्स के एग्जाम्पल को। ओके, तो एपिमर्स के जो फेमस एग्जाम्पल वो क्या है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज। गैलेक्टोज और मैनोज जो है ग्लूकोज के क्या है? एपिमर्स। अब इनको लाइक प्रोनाउंस कैसे किया जाता है, या बोल सकते हैं इनको बोला कैसे जाता है, जो नेमिंग है वो किस तरीके से है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल गैलेक्टोज, तो गैलेक्टोज इज द C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, इस लाइक सेंटेंस से ही पता चल जाएगा कि गैलेक्टोज ग्लूकोज से कैसे अलग है, वो उसका ग्लूकोज का एपिमर कैसे है। ओके, तो ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, ओके, इसके फोर्थ कार्बन यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4, फोर्थ कार्बन में जो एटम है, अब इस पर एटम कौन कौन से बने, OH और H, ओके, मतलब ऑक्सीजन और H, ऐसे भी बोल सकते हैं, इनके कॉन्फ़िगरेशन में वेरिएशन होता है। अब इसके कॉन्फ़िगरेशन को मैं उल्टा कर दूँ, फोर्थ एटम में जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम्स का उल्टा कर दूँ, तो क्या बन जाता है? गैलेक्टोज। H राइट साइड कर दें और OH लेफ्ट साइड करें तो गैलेक्टोज है। सो गैलेक्टोज इज द फोर्थ C4 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। सेम किसके केस में? मैनोज के केस में। सो मैनोज इज द C2 एपिमर ऑफ ग्लूकोज। ओके, तो यहां क्या डिफरेंस है कि जो मैनोज होता है वो ग्लूकोज का सेकंड कार्बन पर एटम का कॉन्फ़िगरेशन अलग होने से बनता है। ओके, तो ग्लूकोज ये है, इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन है एटम का यदि अपोजिट कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? मैनोज। ओके, तो इसके फेमस एग्जांपल हैं, और ये बायोलॉजिकल वर्ड में मिलते हैं, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज, इनका कहीं ना कहीं रोल होता है। ग्लूकोज एनर्जी सोर्स की फॉर्म होता है, गैलेक्टोज क्या कहते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में मिलता है, जो कि सेल रिकॉग्निशन, जो मैं बताने वाला हूँ, सेल रिकॉग्निशन और एंजाइम रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। अब ये स्ट्रक्चर इनका सब सेम है, स्ट्रक्चर सेम है, बस कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस है। लाइक वी कैन से इनका जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक फॉर्मूला है, वो सब सेम है। ओके, लेकिन डिफरेंस कहाँ है? इनका एटॉम का कॉन्फ़िगरेशन है, जो बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? अलग अलग है। बस इसी की वजह से ही इनका जो फंक्शन है और इनकी प्रॉपर्टी वो चेंज हो जाती है। ओके, बायोलॉजिकल वर्ल्ड में सेल्स के अंदर जो स्पेसिफिसिटी है उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल है। लाइक एंजाइम जो होती है वो अपने जो सबस्ट्रेट है उनको लाइक आइडेंटिफाई करती हैं, वो किसके बेसिस पे करती हैं? स्टीरियोकेमिस्ट्री के बेसिस पे, उनके जो एटम है उनके अरेंजमेंट के बेसिस पे।
यदि एटम का अरेंजमेंट थोड़ा सा भी चेंज है, कोई स्पेसिफिक एंजाइम उस मॉलिक्यूल को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ओके, तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का और एपिमर्स का बायोलॉजिकल वर्ड बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो मैं सबसे पहले इन तीनों के एग्जांपल के बारे में डिस्कस करूंगा, ये कहां कहां मिलते हैं और कैसे कैसे इनका रोल होता है। गैलेक्टोज होता है वो ग्लाइकोप्रोटीन में मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन सेल मेम्ब्रेन। ओके, अच्छा ये यहां से जो है वो हायर क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए है और ये जस्ट मैं डिस्कस करूंगा कि इनका क्या सिग्निफिकेंस है। इससे पहले वाले जो है पीएमटी वाले बच्चों के लिए लाइक काम आ सकता है। ओके, पीएमटी हो गया, नेट हो गया, सबके लिए काम आएगा। यहाँ की बात पीएमटी वालों के लिए थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, वी कैन से जेआरएफ जो लोग हैं, जेआरएफ है नेट करने वाले जो लोग हैं उनके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ओके, तो जो गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, मैनोज है, जो तीनों एपिमर्स हैं या बोल सकते हैं ग्लूकोज के दो एपिमर्स जो हैं उनका बायोलॉजी में क्या सिग्निफिकेंस होता है और बायोलॉजी में ग्लूकोज से हटकर के क्या काम करते हैं। आइडियली इनका केमिकल स्ट्रक्चर और ये सब सेम है तो काम सेम होना चाहिए, लेकिन काम सेम नहीं है। कॉन्फिग्रेशन की वजह से इनका काम और जो बोलते हैं प्रॉपर्टी जो है वो अलग हो चुकी है। ग्लूकोज जो है सबसे पहले एनर्जी का काम करता है। ओके, जो बॉडी में सेल्स को एनर्जी जो प्रोवाइड होता है किसके थ्रू मिलता है, ग्लूकोज के थ्रू। जब माइटोकॉन्ड्रिया में जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तो एटीपी फॉर्मेशन होता है। ये सब लाइक 12th क्लास में भी है और 12th से आगे की क्लासों में भी है। ग्लूकोज का जो बोल सकते हैं C4 जो एपिमर है वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज ज्यादातर कहां मिलता है, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में। ओके, अब ग्लाइकोप्रोटीन कहां मिलती है, सेल मेम्ब्रेन, जो सेल की मेम्ब्रेन है उस पर ग्लाइकोप्रोटीन होती है। और वहां उनका काम क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन का काम होता है सेल रिकॉग्निशन में। जब सेल एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करती है कि लाइक उसको किस सेल से बाइंड करना है, तो जो रिकॉग्निशन है उसमें गैलेक्टोज का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि स्पर्म और ओवा, स्पर्म और ओवा जब एक दूसरे से फ्यूज होते हैं, अब स्पर्म दूसरे लाइक ओवा को जब रिकॉग्नाइज करता है या ओवा स्पर्म को रिकॉग्नाइज करती है, तो उसकी ग्लाइकोप्रोटीन का जो अरेंजमेंट है, ग्लाइकोप्रोटीन का लाइक स्पेसिफिसिटी है, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। यदि सेम स्पीसीज का होगा तो वो बाइंड करेंगे और डिफरेंट स्पीसीज का होगा तो वो बाइंड नहीं करेंगे। ओके, तो वहां पर रिकॉग्निशन में सबसे जो खास रोल होता है वो किसका होता है, गैलेक्टोज का। ओके, फिर आते हैं मैनोज। मैनोज तो होता है, ये भी किसमें हेल्प करता है, लाइक ये भी ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड में इन्वॉल्व होता है। ये सेल एडहेशन में या सेल रिकॉग्निशन दोनों में काम होता है। जो सेल जो होती है जैसे कि स्पेशली ल्यूकोसाइट जब लाइक किसी एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है तो उसमें मैनोज का बहुत ज्यादा रोल होता है। और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसके बाद जो प्रोसेसिंग होती है उसमें भी मैनोज का रोल होता है। जैसे कि ल्यूकोसाइट है जब एंटीजन को रिकॉग्नाइज करती है या एंटीजन बॉडी के अंदर एंटर करता है तो उसके तरफ जो मूवमेंट होता है हीमोटैक्सिस, वहां पर मैनोज का रोल होता है। ओके, जब लिपोसाइट है एंडोथेलियल सेल से बाइंड करती है, एंडोथेलियल मींस लाइक ब्लड वेसल का जो इनर लेयर होती है उसको एंडोथेलियल बोलते हैं। एंडोथेलियल जो लेयर होती है उसमें बाइंड करने में मैनोज का सबसे बड़ा रोल होता है। ओके, तो ये इनके सबके रोल के बारे में था। ग्लूकोज का रोल अलग है, गैलेक्टोज का रोल अलग है, मैनोज का रोल अलग है। एक और फैक्ट बताता हूँ गैलेक्टोज से रिलेटेड। ओके, तो गैलेक्टोज जो होता है वो लैक्टोज शुगर में मिलता है। लैक्टोज शुगर किसमें मिलता है, मिल्क में। ओके, इसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं। तो लैक्टोज होता है वो डाइसेकेराइड होता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ओके, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। तो लैक्टोज जो है लैक्टिज एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होता है। ओके, और वो स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से होती है, गैलेक्टोज की वजह से। ओके, सपोज जो लैक्टोज एंजाइम है जो दो मॉलिक्यूल है ग्लूकोज और गैलेक्टोज, गैलेक्टोज की जब मैं ग्लूकोज रखता हूँ, ग्लूकोज को रख दिया जाए तो क्या होगा, वो लैक्टोज से बाइंड नहीं कर पाएगा। बिकॉज ऑफ स्पेसिफिसिटी जो है लैक्टोज लैक्टेज से बाइंड नहीं कर पाएगा। लैक्टेज की जो स्पेसिफिसिटी है लैक्टोज के लिए वो किसकी वजह से है, या बोल सकते हैं लैक्टोज की स्पेसिफिसिटी लैक्टेज के लिए वो किसकी वजह से है, गैलेक्टोज की वजह से। गैलेक्टोज स्पेसिफिक बनाता है लैक्टोज को बाइंड करने के लिए किससे, लैक्टेज से। ओके, और जब ही लैक्टोज का डिग्रेडेशन होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज।
ओके, तो आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये वीडियो समझ में आए तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।